नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, बस एक ही चीज़ कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों की लापरवाही दिखाएं। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि आप 5 या 7 मिनट रुक के अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर आप बीच में फंस गए तो ट्रेन कौन सी पटरी पर आएगी, कब आएगी, किसी को नहीं पता होता। और फाटक कभी मैंने देखा नहीं होगा कि 4-5 घंटे के लिए बंद होता होगा, शायद फाटक 5 या 7 मिनट के लिए बंद होता होगा लास्ट। दोस्तों इसी में आप देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये भाई साहब कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, फाटक लगा हुआ है, या तो ये फाटक लगाने वाले पागल हैं, या फिर इनके लिए कानून या फिर अलग कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो फाटक पार करे उसके लिए कोई कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे नीचे से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सामने देख पा रहे होंगे एक अम्मा भी हैं, वो भी जा रही हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये भाई साहब ज़्यादा ही बिजी हैं, कुछ इनके पास टाइम ही नहीं है, पता नहीं क्या बेचने जा रहे हैं, पर ठीक है बेचने जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप इतना तो ध्यान रख लें, कम से कम अपने बच्चों की तरफ तो सोच लें, अपने घर वालों की तरफ तो सोच लें कि आप 5 या 7 मिनट रुक जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा। जो भी दोस्त मेरा, जो दोस्त मेरे भाई मेरे, जो भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इतनी सी बात ध्यान रखना, 5 या 7 मिनट रुक जाना, लेकिन ऐसी लापरवाही आप कभी मत करना। वैसे मैं कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं जो आपको मैं ज्ञान दूँ, लेकिन एक छोटी सी मेरी सोच है, छोटा सा अनुभव है जो मैंने देखा वहाँ पे, जो चीज़ देखी वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम भी लगभग 5 या 7 मिनट वहाँ रुके थे, हमें कोई देर नहीं हो गई। मैं गया था लुधियाना से दूर फिल्लौर किले में, लगभग ये 20-22 किलोमीटर दूर है फिल्लौर, वहाँ पे वीडियो बनाने गया था। महाराजा रणजीत सिंह में, महाराजा रणजीत सिंह किला है वहाँ पे, और एक सनी गांव है वहाँ पे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ फाटक पे 5 या 7 मिनट रुकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग इस तरीके से बेवकूफ़ हो रहे हैं। अभी देख रहे होंगे आप कि बिल्कुल खाली हो गया और सामने सारे निकल गए, और ट्रेन का कोई पता नहीं है कौन सी पटरी पे आ जाए, कब आ जाए। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे जा रहा, और ट्रेन की स्पीड आपको पता ही है कितनी तेज़ होती है, लेकिन लोग बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं समझते। आप सामने देख पा रहे होंगे एक बच्चे को एक माँ लेके आ रही है, जब ट्रेन सामने से आ जाएगी तो फिर ये बच्चे को भूल जाएगी और अपने आप को भूल जाएगी, क्या होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन इतनी लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए लोगों को। आप देख पा रहे होंगे जब मोटरसाइकिल भी नहीं निकल रही, लेकिन टेढ़ा करके कैसे भी एक बार निकाल लो धक्के वक्के मार के। मतलब इतने लोग इतना भी नहीं सोचते कि अपने घर वालों के लिए तो कम से कम सोच लो। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये चीज़ ध्यान में रखें कि 5 या 7 मिनट में, ये देखो आप देख पा रहे होंगे ट्रेन भी आ गई, 5 या 7 मिनट में कुछ नहीं होता, आप ज़रूर यहाँ पे रुकें। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।